लंकेश्वर महाबली दशानन रावण की जय। लंकेश्वर रावण देवताओं का काल है, काल से भी विकराल है, राक्षसों का ये स्वर्ग पृथ्वी और पाताल है। लंकेश्वर महाबली दशानन रावण की जय। लंकेश्वर महाबली दशानन रावण की जय। लंकेश्वर महाबली दशानन रावण की जय। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय। देवराज इंद्र, भरती हुई राक्षसी सेना और रावण के पुष्पक विमान के समीप देवऋषि नारद प्रकट हुए हैं। नारद, नारद, नारद! अवसरवादी हैं वे। अवश्य रावण का उत्कर्ष देख उससे संबंध स्थापित करने के लिए गए होंगे वो। स्वामी, क्रोध मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है और आप तो देवताओं के राजा हैं, क्रोध आपको शोभा नहीं देता। संभव है देवर्षि अपनी चतुराई से रावण को स्वर्ग अभियान से विमुख कर दें। दशानन रावण के अभियान मार्ग पर देवर्षि का पहुंचना अवश्य ही किसी नई घटना का संकेत दे रहा है। देवराज, हमें शीघ्र ही आकाश में जाकर देवर्षि नारद और रावण की वार्ता सुनना आवश्यक है। देवराज, देवर्षि के विश्वसनीयता पर संदेह न करें, वे देवताओं के परम हितैषी हैं। नारायण, नारायण। कहें ऋषि श्रेष्ठ देवर्षि नारद, कहें, आप मेरे स्वर्ग अभियान मार्ग पर किस कारण आए हैं? ये लंकेश्वर रावण आपके लिए क्या प्रिय कर सकता है? नारायण, नारायण। ऋषि विश्रवा के पराक्रमी पुत्र लंकेश्वर रावण, मैं देवों का ऋषि नारद तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अपने शत्रु के लिए काल से भी अधिक विकराल हो। तुम्हारे युद्ध और पराक्रम से मैं अत्यंत संतुष्ट हुआ। किंतु नारायण, नारायण। किंतु क्या देवर्षि, ये संकोच का है? आपने मेरे पराक्रम की प्रशंसा कर मुझे प्रसन्न किया। नारायण, नारायण। परमपिता ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तुम देवताओं से भी अवध्य हो, फिर ये निरीह मनुष्य को मारकर तुम आनंदित क्यों हो रहे हो? पृथ्वीलोक के क्षुद्र प्राणी वैसे ही मृत्यु के अधीन है और इसी कारणवश ये मरे हुए हैं। ऐसे क्षुद्र प्राणियों को मारकर तुम्हें क्या प्राप्त होगा? पृथ्वी के समस्त सातों द्वीपों पर रावण का साम्राज्य स्थापित हो चुका है देवर्षि। इसी कारण रावण अब स्वर्ग पर अपना अभियान कर रहा है। इस संसार में लंकेश्वर रावण की दो ही बातें प्रसिद्ध हैं। कौन सी दो बातें देवर्षि? पहली, ऋषि विश्रवा के पुत्र लंकेश्वर रावण परम ज्ञानी है, और दूसरी, केकसी नंदन रावण अपराजेय योद्धा है। किंतु क्या कहने के इच्छुक हैं आप? नारायण, नारायण। परम ज्ञानी महापराक्रमी लंकेश्वर रावण, स्वर्ग पर तुम्हारा अभियान विद्वतापूर्ण नहीं है, इससे तुम्हारा पराक्रम लज्जित ही होगा। देवर्षि नारद! शिव 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 शिव। लंकेश्वर रावण, कृपया आप उत्तेजित ना हो। तुमने जिन पर विजय पा ली है और जिन पर विजय प्राप्त करने जा रहे हो, वे सभी किसी ना किसी रूप में विधि के विधान के अनुसार मृत्यु पाश से बंधे हुए हैं। अर्थात? हाँ लंकेश्वर रावण, सूर्य पुत्र यमराज को परास्त करने के पश्चात तुम मृत्यु के पास से मुक्त हो जाओगे। परमपिता ब्रह्मा जी से तुमने अमरता का वरदान तो नहीं मांगा, परंतु यमराज को पराभूत करने के पश्चात वो वरदान स्वयं ही तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। नारायण, नारायण। मैं तो आपको देवताओं का हितैषी समझता था, किंतु आपने उचित परामर्श देकर मुझे प्रसन्न कर दिया देवर्षि नारद। लंकेश्वर रावण, मैं भी तुम्हारी ही भांति शिवभक्त हूँ, और इसी कारणवश प्रत्येक शिवभक्त का मैं भी हितैषी हूँ। नारायण, नारायण। राक्षस वीरों, स्वर्ग का अभियान इसी समय से स्थगित हुआ।
सर्वप्रथम हम मृत्यु के देवता यमराज को ही मृत्यु के बंधन में बांधने के लिए यमलोक की ओर प्रस्थान करेंगे। लंकेश्वर महाबली दशानन रावण की जय। 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 लंकेश्वर महाबली दशानन रावण और युवराज मेघनाथ की जय। देवर्षि नारद, मेरे महापराक्रमी पुत्र मेघनाथ को परिचय की आवश्यकता नहीं है। इसने अपने अद्भुत पराक्रम से संपूर्ण पृथ्वीलोक पर मेरा साम्राज्य स्थापित कर दिया है। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम नानाश्री, प्रणाम मामाश्री, प्रणाम देवर्षि नारद। आपकी कृपा से आपका पुत्र मेघनाथ अकेले ही स्वर्ग और दुष्ट देवताओं को पराजित करने में सक्षम है। आप मुझे आज्ञा दें पिताश्री, मैं अभी उस दुर्बुद्धि इंद्र को बंदी बना कर लाता हूँ। तुम्हारे पराक्रम से मैं अज्ञात नहीं हूँ पुत्र मेघनाथ। सुना आपने देवर्षि, सुना आपने मेघनाथ का उत्साह। मेघनाथ वास्तव में अपने शत्रुओं के लिए काल है। नारायण नारायण। लंकेश्वर रावण, क्या यमराज को परास्त कर अमरता का वरदान प्राप्त करने का मेरा परामर्श आपको स्वीकार नहीं? मृत्यु के देवता यमराज को मृत्यु के बंधन में बांधने का निर्णय कर लिया गया है देवर्षि। अब मेरा महापराक्रमी पुत्र मेघनाथ भी यमलोक विजयी अभियान में सम्मिलित किया जाएगा। शिव 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 शिव। लंकेश्वर रावण, ऐसी भूल कदापि न करना। यमलोक से तो केवल आप जैसा वरदानी महाशक्तिशाली लौट कर आ सकता है। युवराज मेघनाथ को वहां भेजकर आप इनके प्राण संकट में न डालें। देवर्षि नारद, आप मुझे भीरू समझते हैं क्या? नारायण नारायण, तुम तो पराक्रम की परिभाषा हो लंकेश्वर पुत्र मेघनाथ। तुम्हारे अद्भुत बाहुबल के कारणवश आज पृथ्वीलोक थर थर कांप रहा है, किंतु किंतु क्या देवर्षि नारद? पिताश्री, अब मैं अकेले ही अपने महान पराक्रम का प्रमाण देने के लिए यमलोक की ओर अभियान करता हूँ। अकेले नहीं पुत्र, यमलोक पर मैं भी तुम्हारे साथ अभियान करूंगा। नारायण नारायण, महाज्ञानी लंकेश्वर रावण, कहीं ऐसा ना हो जाए अहंकार का प्रेत प्रेत नगरी पहुंचने से पूर्व ही आपके ज्ञान पर चढ़ जाए। आप राक्षस जाति के हितैषी हैं, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है, किंतु आप मेघनाथ को यमलोक अभियान में जाने से मना क्यों कर रहे हैं देवर्षि? आपके अतिरिक्त मृत्युलोक में जन्मा कोई भी क्षुद्र प्राणी यमराज की प्रेत नगरी में जीवित प्रवेश नहीं कर सकता। फिर लौट कर आना दूर की बात है। नारायण नारायण, जो सत्य था सो मैंने कह दिया, अब जो आपकी इच्छा वो करें। नारायण, ठहरे तनिक ठहरे देवर्षि। यमलोक की ओर मैं अकेला ही अभियान करूंगा। पुत्र मेघनाथ, तुम राक्षसों की विशाल और वीर सेना के साथ लंका लौट जाओ। नहीं पिताश्री, मैं बिना विश्व विजय किए लंका लौटकर पितामही केकसी को क्या मुंह दिखाऊंगा? पुत्र मेघनाथ, तुम इस समय अपनी पितामही के पास में जाकर लंका के किसी अज्ञात स्थान पर दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए अग्निस्टोम करो, जिससे तुम स्वयं विश्व विजयी बनने के लिए सक्षम हो जाओगे। पुत्र मेघनाथ, देवर्षि नारद राक्षस जाति के परम हितैषी हैं। इनके परामर्श को आज्ञा मानकर अग्निष्टोम सिद्ध करो, जाओ। मैं अकेला ही यमलोक की ओर प्रस्थान करूंगा। प्रणाम पिताश्री। नारायण नारायण। चलो पुष्पक। हे भोलेनाथ, आपकी आज्ञा का पालन कर मैंने चिंता छोड़कर चिंतन से काम लिया है।
अब आप कुछ ऐसी लीला रचें कि यमराज के प्रहार से लंकेश्वर रावण जीवित ना बचे। नारायण नारायण। देवर्षि, मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञानता में आपको देव शत्रु समझ बैठा। देवराज, इसमें क्षमा की क्या आवश्यकता है? सब कुछ ज्ञात होने पर भी अज्ञानी होने का आवरण चढ़ाना, ये तो आपका स्वभाव है। देवर्षि, देवर्षि मुझे क्षमा करें, मुझे आपको क्षमा करना ही होगा। शिव 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 शिव। देवराज इंद्र, यदि आपको क्षमा मांगनी ही है तो भगवान भोलेनाथ से मांगिए, क्योंकि स्वर्ग अभियान से लौटा रावण कुछ ही समय पश्चात पुनः स्वर्ग की ओर अभियान छेड़ेगा, और उस समय उसके साथ उसका शक्ति संपन्न पुत्र मेघनाथ भी होगा। देवर्षि, देवर्षि आप मुझे परामर्श दें। नारायण नारायण। परामर्श तो दिया ना देवराज, भगवान भोलेनाथ के अतिरिक्त रावण के आक्रमण से आपकी रक्षा अन्य कोई नहीं कर सकता। देवर्षि, स्वर्ग तक आकर रावण लौट गया, अब संभव है कि वे पुनः स्वर्ग की ओर अभियान ना करें। भोलेनाथ करे कि ऐसा ही हो, किंतु ऐसा होगा नहीं। भले ही रावण एक बार देवराज इंद्र को क्षमा कर दे, परंतु रावण की माता केकसी देवराज इंद्र द्वारा हुए अपने अपमान को कदापि नहीं भूलेगी। नारायण नारायण।